तो इसमें हम देखने वाले हैं सर्फेक्टेंट के बारे में। सर्फेक्टेंट देखने से पहले हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन उसका मतलब होता क्या है। ओके, सरफेस टेंशन उसका मतलब होता क्या है? इट्स अ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये सपोज हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलर फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जो एल्वियोलाई होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, एल्वियोलाई इन्फ्लेट नहीं कर पाएगा। तो इसी कोलैप्स को प्रिवेंट कौन करता है? वो करता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। आगे दूसरे भी फंक्शन है वो हम बाद में देखते हैं। ये हो गया मेन फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, टू रिड्यूस द सर्फेस टेंशन। ओके, ये क्या करता है? सर्फेस टेंशन को रिड्यूस करता है, इसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होगा। सर्फेक्टेंट होता क्या है? इट इज अ प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स। तो सर्फेक्टेंट इज अ प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें प्रोटीन का भी एक कंपोनेंट है और एक लिपिड का भी कंपोनेंट है। जो प्रोटीन का कंपोनेंट है उसे बोलते हैं सर्फेक्टेंट प्रोटीन। सिंपल, सर्फेक्टेंट प्रोटीन, उसके भी टाइप्स है, सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए बी सी डी के चार टाइप के सर्फेक्टेंट प्रोटीन। जो लिपिड कंपोनेंट है उसमें एक मेजर कंपोनेंट होता है और एक माइनर कंपोनेंट होता है। जो मेजर कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं डी पी पी सी, और जो माइनर कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। ओके, जो मेजर कंपोनेंट इट इज डी पी पी सी डाई फॉस्फोराइल फॉस्फोटिडिल कोलिन, ऐसा कुछ है। माइनर कंपोनेंट इज स्फिंगोमाइलिन। अब सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कौन करता है? हमने देखा था टाइप टू न्यूमोसाइट, टाइप टू एल्वियोलर सेल। सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कब होता है? अराउंड द 1 to 2 months बिफोर द लेबर। तो 1 to 2 months बिफोर द लेबर, तो अगर सपोज कोई बच्चा प्री टर्म लेबर होगा तो उसमें सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, तो उसकी वजह से लंग एल्वियोलरी वो कोलेप्स हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसे हम बाद में देखते हैं। अगर डिलीवरी होने से पहले अगर हम किसी बच्चे का जो फीटल लंग वो मैच्योर हो गई है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? दो दो टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। एक तो है लेसिसिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, एक है लेसिसिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, और दूसरा है शेक टेस्ट। अब शेक टेस्ट क्या है? इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और उसे शेक करेंगे, अगर बबल्स फॉर्म हुए तो हम कह सकते हैं कि सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, सर्फेक्टेंट डेवलप हो चुका। बबल्स क्या डिनोट करता है? लिपिड कंपोनेंट डिनोट करता है। तो इसके लिए हमें पता चल जाएगा कि सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, लंग मैच्योर हो चुका है। ये हो गया पहला टेस्ट, शेक टेस्ट। दूसरा है लेसिसिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, ये नॉर्मली मोर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। कि अगर मोर लेस देन 2 हुआ तो फिर हम कहेंगे कि लंग मैच्योर नहीं हुआ। तो हम इससे पता कर सकते हैं फीटल लंग मैच्योरिटी। अब फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट हमने पहले अभी में मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन देखा, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ये सपोज हमारी एल्वियोलाई है, इसके जो एल्वियोलर फ्लूड होता है वो क्या करेगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे तो एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी। इसी कोलैप्स को प्रिवेंट करने के रीजन से ही प्रेजेंट होता है सर्फेक्टेंट। यहाँ पर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, तो इस वजह से एल्वियोलाई प्रिवेंट, एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होगी। तो दो फंक्शंस देख लिए हमने, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, दूसरा है प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। तीसरा फंक्शन है जो सर्फेक्टेंट प्रोटीन थे ए एंड डी, वो क्या करते हैं? प्रोवाइड लंग इम्यूनिटी। ये तीन फंक्शंस हो गए। अब सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है बाय टाइप टू न्यूमोसाइट्स या टाइप टू एल्वियोलर सेल्स। अब वो स्टोर कहाँ पे होता है? इट स्टोर इन द लैमेलर बॉडीज इनसाइड द टाइप टू न्यूमोसाइट। तो ये सपोज टाइप टू न्यूमोसाइट है, इनके अंदर लैमेलर बॉडीज प्रेजेंट थी, इसके अंदर सर्फेक्टेंट स्टोर रहता है। अब रोल ऑफ सर्फेक्टेंट मतलब सर्फेक्टेंट कौन से बेसिस पे एक्ट करता है, उसको दिखाने के लिए एक लॉ है विच इज लाप्लास लॉ। क्योंकि वो लाप्लास लॉ देखते हैं, लाप्लास लॉ उसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, टेंशन इक्वल्स टू पी इंटू आर, टी इक्वल टू पी आर। पी क्या है? कोलेप्सिंग प्रेशर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई एक स्फेरिकल शेप का होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, टू टी इक्वल्स टू पी इंटू आर। तो फिर अगर प्रेशर का फॉर्मूला करना हो तो 2T/R। अब कोलेप्सिंग प्रेशर हमको कम करना पड़ेगा, कोलेप्सिंग प्रेशर कम कैसे होगा? जब सरफेस टेंशन कम होगा और रेडियस ऑफ द एल्वियोलाई वो ज्यादा होगा, तो सरफेक्टेंट का सिंपल वही रोल है,
क्या करता है, सरफेस टेंशन कम करता है, रेडियस ऑफ द एल्वियोलाई बढ़ाता है, इसके वजह से सरफेस एरिया भी बढ़ता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, कोलैप्सिंग प्रेशर वो कम होता है। तो सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है और रेडियस ऑफ द एल्वियोलाई बढ़ाता है, तो इस वजह से कोलैप्सिंग प्रेशर वो कम होता है। अगर सरफेक्टेंट एबसेंट हुआ तो मैंने अभी बताया एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगी, फिर इन्फ्लेट नहीं हो पाएगी ठीक से, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मोस्ट कॉमन होता है इन द प्री मेच्योर या न्यू बॉर्न बेबीज, जिनमें सरफेक्टेंट ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ होता, तो इसकी वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती है। एटेलेक्टेसिस होता है, एटेलेक्टेसिस मतलब लंग होती है वो वापस इन्फ्लेट नहीं हो पाती सही से। दूसरा है पल्मोनरी इडिमा, तो ये फीचर्स होते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के, कोलैप्स, एटेलेक्टेसिस एंड पल्मोनरी इडिमा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट एक कम करेंगे, सबसे पहले आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट होगा या फिर सर्फेक्टेंट इन ड्रग फॉर्म वो देंगे, तो उसका एग्जाम्पल है लूसिनेक्टेंट एंड बेरेक्टेंट, लूसिनेक्टेंट एंड बेरेक्टेंट। दूसरा है हम उसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे, एक हो गया मेडिकल और दूसरा हो गया सर्जिकल, एक हो गया ड्रग फॉर्म में आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट देंगे, दूसरा है कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे ताकि एल्वियोलाई कोलैप्स ना हो सके। ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में लिखा हमने, उसके क्लिनिकल फीचर्स, वो क्यों होता है और उसकी ट्रीटमेंट। अब रेगुलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, मतलब सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज कौन करता है, डिक्रीज कौन करता है, तो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एक होता है स्टीरॉयड, एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कोर्टिसोल्स, फिर थायराइड हार्मोन, ये सारे सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। इसलिए टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री टर्म बेबीज हम देते हैं बीटा मिथाजोन या फिर डेक्सा मिथाजोन, विच आर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो उसकी वजह क्या होगा, सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और लंग मैच्योर हो जाएगी। ओके, टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्री टर्म बेबीज वी गिव बीटा मिथाजोन एंड डेक्सा मिथाजोन टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो स्टीरॉयड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल्स और थायराइड हार्मोन, तो थायराइड हार्मोन भी इंक्रीज करता है सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनमें थायराइड हार्मोन भी लो होता है इसी वजह से। अब सर्फेक्टेंट रिड्यूस कौन करेगा, इंसुलिन। ओके, इंसुलिन मोस्ट कॉमन एजेंट विच रिड्यूसेस सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, इसी वजह से अगर कोई डायबिटिक मदर होगी उसका अगर, और वो रेगुलरली इंसुलिन लेती है टू कंट्रोल द ग्लूकोज, तो उसकी वजह से उसका जो बेबी होगा उसमें भी इंसुलिन ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से देयर विल बी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इन शॉर्ट इतना याद रखना, सर्फेक्टेंट इंक्रीज कौन करता है, स्टीरॉयड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल एंड थायराइड हार्मोन, फिर ये स्टीरॉयडल ड्रग्स, फिर सर्फेक्टेंट रिड्यूस कौन करता है, इंसुलिन। तो यही था पूरा सर्फेक्टेंट के बारे में। सबसे पहले हमने इसका बेसिक देखे, सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर सर्फेक्टेंट क्या है, प्रोटीन लिपिड कॉम्प्लेक्स है, उसके प्रोटीन पार्ट और लिपिड पार्ट को देखा, फिर फीटल लंग मेजोरिटी मेच्योरिटी हम टेस्ट कैसे करते हैं, फंक्शंस देखे सर्फेक्टेंट के, रोल ऑफ सर्फेक्टेंट, लाप्लास लॉ देखा, फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में देखा और रेगुलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन।